22 साल के हमारे वीर फौजी भाई उमेश निसाल सर को उनकी वीर वधु ने पुष्प चक्र अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों से आए लोग, सेना के जवानों और अधिकारियों ने उनके पार्थिव पर पुष्प चक्र अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अंतिम यात्रा में गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान पूरा इलाका शहीद जवान उमेश अमर रहे के नारों के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद जवान उमेश तेरा नाम रहेगा देशभक्ति गीतों के बीच पार्थिव देह उनके गांव पहुंचा। शहीद जवान उमेश का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गई। परिजनों में चित्कार सा माहौल हो गया, माहौल गमनी हो गया। इसके बाद सेना के जवानों ने की उपस्थिति में शहीद परिजनों को जवान के अंतिम दर्शन करवाए। वहीं गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी भारी संख्या में शहीद जवान को पुष्प चक्र अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे 22 साल के वीर फौजी भाई 2 साल पहले ही 25 मराठा बटालियन में सेना के रूप में भर्ती हुए थे। उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। 15 दिन पहले वह अपने भतीजे की शादी में छुट्टी पर आए हुए थे। वहीं छुट्टी बिताने के बाद फिर ड्यूटी पर चले गए थे। राजस्थान सूरजगढ़ में वह अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश की सुरक्षा करते हुए बिजली का करंट लगने से वीरगति को प्राप्त हो गए। आपके दिलों में इंडियन आर्मी के लिए थोड़ा सा प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जवान के लिए जय हिंद जरूर लिखें। मिली जानकारी के मुताबिक जवान के परिवार में उनके माता पिता और 2 भाई एवं पत्नी है। भारत माता के वीर सिपाही शहीद जवान उमेश सर का अंतिम संस्कार आज पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके गांव में किया गया, जहां गांव ही नहीं गांव के आसपास के लोग भारी संख्या में शहीद जवान के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। भारत माता के वीर सिपाही शहीद जवान उमेश सर को मैं उनके स्वच्छ बलिदान के लिए सच्चा नमन करता हूँ।